नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, जिन लोगों के पेट में अत्यधिक गैस बनती है, पेट में भारीपन और ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए आज हम आपको एक अभ्यास को प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप इस एक अभ्यास को नियमित 5 से 10 मिनट भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह अभ्यास पेट में बनने वाली गैस, पेट में भारीपन, ब्लोटिंग जैसी समस्या या जिन लोगों को डकार का आना, खट्टी डकारों का आना जैसी शिकायत होती है की समस्या दूर होती है। आइए देखते हैं कि इस अभ्यास को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। के लिए आप एक अभ्यास पवन मुक्तासना को वेरिएशन के साथ जरूर प्रैक्टिस करें। पवन मुक्तासना एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे पेट में रुकी हुई वायु बाहर निकलती है। इस पवन मुक्तासना को आप सुबह के समय या रात को सोने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस पवन मुक्तासना को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने बगल में रख लें और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने से ऐसे घुटने के नीचे से ऐसे रख लें और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगा लें। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लें। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठुड्डी को ऐसे अपने घुटने पर लगा लेते हैं। यह अभ्यास हमारे पेट को हल्का और नरम करने वाला बहुत ही अच्छा अभ्यास है। दोस्तों, पेट में अत्यधिक गैस का बनना कभी कभी बहुत ही असहज और शर्मनाक हो जाता है, जिसके कारण हमें अपने आसपास लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। जिन लोगों को अक्सर यह समस्या रहती है वह लोग इस पवन मुक्तासना को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी घुटने पर लगाने की कोशिश करें। ऐसे आपके पंजे आगे की तरफ तने हुए हों या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से रखकर इस पवन मुक्तासना को कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक होल्ड करके रखें। इसे विंड रिलीज पोज के नाम से भी जाना जाता है। फिर सीधे श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठुड्डी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। फिर सीधे ऐसे ही से कम 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद इस पवन मुक्तासना को हम हिलना डुलना लुढ़कना के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इसे हिलना डुलना लुढ़कना के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को भारी पेट में भारीपन की शिकायत रहती है या फिर बेली फैट की शिकायत है की समस्या दूर होती है। ऐसे ही आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने बैठ जाना है। ऐसे बैठ जाना है, ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे बैठना है। ऐसे ही कम से कम 2 से 5 मिनट इस पवन मुक्तासना को आप हिलना डुलना लुढ़कना के साथ कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। यह अभ्यास हमारे शरीर को नियमित क्रिया के लिए अधिक स्टेमिना प्रदान करता है, जिससे कि हम दिन भर अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। फिर तीव्रता से लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इस अभ्यास को करते जाना है। फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं और ऐसे अपने पैरों को 5 से 6 बार अप डाउन करते हैं और फिर ऐसे अपने पैरों को फैलाकर रिलैक्स करना है।